नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपका पूरा सब्जेक्ट था, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर के अंदर, वैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन बेसिकली उसी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। जो फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन हमने देखा था ना, वो ज्यादा फंक्शन की बात कर रहा था, प्रोसीजर की बात ज्यादा कर रहा था कि कैसे टास्क परफॉर्म होगा, लेकिन इसमें हम डाटा की बात ज्यादा करेंगे, और डाटा की बात जब भी करते हैं तो ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन रिलाइज ऑन फोकसिंग अटेंशन ऑन द डाटा इंस्टेड ऑफ द फंक्शन, ठीक है, जो बात मैंने आपको भी बताई। ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी able to save a state or information and which offers a number of operations to either examine or affect this state. ठीक है, for example, जैसे car कोई आपका object हो सकता है, और car का engine जो है, ठीक है, engine running है, engine running, ये इसकी state है, इस car की ये state है। अब इस ये state change भी हो सकती है, किसी function का use करके आप इस state को change भी कर सकते हैं कि engine not running हो जाए। तो ये सारे basically object आपका car है, और उसकी state क्या है? Engine running है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ना कि ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी, तो यहाँ पे द टर्म आइडेंटिटी या फिर द टर्म एंटिटी, ठीक है, दोनों ही वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। तो इस एंटिटी टर्म का क्या मतलब है? इट मींस दैट ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर इनहेरेंट एग्जिस्टेंस एंड नॉट बाय डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल, किसी क्लास डॉग के दो ऑब्जेक्ट्स हैं, डी वन और डी टू, ठीक है, डॉग वन और डॉग टू दो ऑब्जेक्ट्स हैं अलग अलग। अब डॉग वन और डॉग टू ना बिल्कुल आप मान लो ट्विन्स हैं, दोनों एकदम सेम है, एकदम सेम ब्रीड, कलर, उनका साइज वगैरह सब सेम है, एकदम डुप्लीकेट है, लेकिन ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक नहीं है, डी वन इज इक्वल टू डी टू नहीं है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, ये अलग एग्जिस्ट कर रहा है, ये अलग एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही मैं आपको बता रहा हूँ कि दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर इनहेरेंट एग्जिस्टेंस, अपनी एग्जिस्टेंस से वो दोनों डिस्टिंग्विश हैं, अलग अलग हैं, एंड नॉट बाय डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टीज, अपनी प्रॉपर्टीज से, अपनी प्रॉपर्टीज से अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है ना भी हो सकता है दोनों का कलर हो अलग हो, या फिर हो सकता है ना हो। तो डिस्क्रिप्टिव तौर पे दोनों अलग अलग हो या ना हो डिपेंड करेगा, लेकिन वो दोनों की एग्जिस्टेंस जो है वो हमेशा अलग अलग होगी। ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट बाय पासिंग मैसेजेस टू ईच अदर। तो आप लोगों को ये सब बात पता ही है, आप लोगों ने C++ में पढ़ाई है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपने पढ़ी है, कि ऑब्जेक्ट्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये सबका आइडिया आप लोगों को है ऑलरेडी। इसके अलावा कुछ और टर्म्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में जो आपको पता होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और डिजाइन में जो जो टर्म्स हैं मतलब कॉमन है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब है वही डिजाइन को हमने प्रोग्रामिंग में बदल दिया, ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन बनाया, उसके बाद उसी को प्रोग्राम कर लिया, तो एक ही बात है। जैसे क्लास आपको पता होना चाहिए, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है क्लास आपको पता है, एट्रीब्यूट क्या है, डाटा वैल्यू हेल्ड बाय ऑब्जेक्ट्स इन क्लास। जैसे किसी क्लास का कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसके दो एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, कलर और उसकी हाइट, तो ये दो अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। अब ये अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे किसी ऑब्जेक्ट का कलर ब्लू हो सकता है, किसी का रेड हो सकता है, किसी की हाइट अलग हो सकती है, किसी का अलग हो सकता है, तो अलग अलग वैल्यूज ये ले सकते हैं एट्रीब्यूट्स। ऑपरेशंस, फंक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन दैट मे बी अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स और बाय ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो जो फंक्शन लगाए गए हैं, जो क्लास के ही फंक्शन हैं या फिर कोई और फंक्शन, या फिर ऑब्जेक्ट जो किसी और के ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे आपके ऑपरेशंस हो गए। इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, ये सब आपको पता है। अगर नहीं पता तो मैं नीचे एक डिस्क्रिप्शन में ऊप्स की जो हमने वीडियो बनाई थी फोर्थ सेमेस्टर के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, उसका लिंक डाल देता हूँ, उसमें जाके आप लोग ये सारी चारों टर्म समझ सकते हैं, दो मिनट का बस कॉन्सेप्ट है। हायरार्की, इट अराइजेज ड्यू टू इनहेरिटेंस। हायरार्की मतलब बिल्कुल ऑर्डर में चले, ए से कोई चीज़ ए के बाद बी हो, फिर बी के बाद सी हो, इस तरीके से, तो इनहेरिटेंस की वजह से ये चीज़ हो सकती है हायरार्की इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में। या फिर और बेसिकली आप लोग अगर बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड कोड कर रहे हैं, उससे हायरार्की अराइज हो सकती है। ये बेसिक टर्म्स जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आपको आइडिया होना चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन की, इन सारी टर्म्स का, तभी आप लिख पाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के बारे में। एडवांटेजेस क्या है इसके? प्रोग्राम्स आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन, ठीक है। अगर आप प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट्स की तरह देखोगे तो आसानी रहेगी आपको अंडरस्टैंड करने में भी और मेंटेन करने में भी। प्रोग्राम्स आर इजी टू टेस्ट एंड डिबग, टेस्टिंग में भी आसानी होगी, डिबगिंग में भी। कोड रीयूजेबिलिटी, आप जब क्लासेस का कॉन्सेप्ट देखते हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, तो कोड रीयूजेबिलिटी वो लोग ऑफर करते हैं, तो इनहेरिटेंस भी कोड रीयूजेबिलिटी को ऑफर करती है, तो ये सारी एडवांटेज हैं इसकी। मॉडल्स द रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड से हमें कंपेयर करने में बहुत आसानी होती है। जैसे आप क्लास बना रहे हो, कोई कार क्लास बना रहे हो या डॉग क्लास बना रहे हो, तो उनके ऑब्जेक्ट्स फिर हम बनाते हैं, तो हमें रियल वर्ल्ड जैसा लगता है, आसानी होती है समझने में। डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके कुछ, लेकिन इनको डिसएडवांटेजेस माने कि नहीं माने, इस पर थोड़ा मतलब फाइट हो सकती है, क्योंकि जैसे डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो आप लोग अच्छे से प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे, अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, डिजाइन को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन को. डिजाइन बिकम्स ट्रिकी समटाइम्स. अब जैसे आपको इनहेरिटेंस की नॉलेज नहीं है तो वो ट्रिकी हो जा रहा है आपके लिए, इनहेरिटेंस को आप सही से नहीं जान पा रहे. और भी चीज़ें होती हैं इसमें, जैसे फिर क्लासेस को ही हम फर्दर एनहेंस कर देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये सब चीज़ तो उतना हमारे लिए बेसिकली कई बार टफ भी हो सकता है. अगर किसी को नॉलेज ना हो तो उसके लिए टफ हो सकता है. तो अब डिसएडवांटेजेस वैसे तो इसके कुछ है नहीं, लेकिन ये मैंने फिर भी लिख दिए हैं जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए. तो इस तरीके से आपकी बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन की बात हो रही है. अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन से कैसे अलग है ये आपने देख लिया. अब फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन के अंदर हम लोग बेसिकली पूरा ऐसे एक फंक्शन को डिवाइड कर लेते थे आगे फंक्शंस में, फिर इसको अलग फंक्शंस में, इसको अलग फंक्शंस में, इस तरीके से, ठीक है. तो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम डाटा की ज़्यादा बात कर रहे हैं, ठीक है. तो ये सारी बातें इसमें आपको पता होनी चाहिए.